वंदे मातरम। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब सभी के दिल में इसी जज्बे ने आज देश को तरक्की के मुकाम पर पहुंचा दिया। नमस्कार, मैं हूं आलोक मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो सीरियल जैसा कोई नहीं। आज 66वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छोटा पर्दा भी रंग गया है उसी रंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सफर की और देखते हैं कि कैसे मना रहे हैं छोटे पर्दे के कलाकार 15 अगस्त का ये त्योहार। आजादी का दिन, देश के लिए गर्व का मौका, जश्न की घड़ी जिसमें टीवी सितारे भी आजादी के रंग में रंगे हैं। हर कोई अपने तरीके से आजादी का ये खास दिन सेलिब्रेट कर रहा है। अक्षरा पहुंची है अपने बेटे डुगू को लेकर इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में। देशभक्ति के गाने गाए, झंडा लहराया और गेम्स खेली। जीनी भी अपने अंदाज में सेलिब्रेशन के मूड में है। देखिए ड्राइंग के जरिए इनकी देशभक्ति का रंग कैसे निखर कर सामने आया है। वैसे जीनी, देशभक्ति का कोई गीत ही सुना दीजिए इस मौके पर। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा आँख में भर लो, जरा याद करो कुर्बानी, जय हिंद। चलिए इधर टीवी की आदर्श बहू संध्या भी देश की आजादी को सलाम कर रही हैं। अपने पति सूरज के साथ ये परेड देखने पहुंची हैं। तो यहाँ हर दिल यही गा रहा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दीपिका ब्लगन, दिल्ली, IBN 7। जैसे हम आप सभी को छोटे पर्दे की खबरें देने के लिए तत्पर रहते हैं, वैसे देश की पुलिस भी आप सभी को सुरक्षा देने में तत्पर रहती है। और ऐसे में तत्पर है हमारी चंद्रमुखी चौटाला अपनी ईमान चौकी में 15 अगस्त का त्योहार मनाने के लिए। एक और जहां पूरा देश आजादी के जश्न को मनाने में लगा हुआ है, ऐसे में भला हमारी टीवी की पुलिस यानी चंद्रमुखी चौटाला भला कैसे पीछे रहती। आज आजादी के जश्न में शामिल हो वो भी व्यक्त कर रही हैं अपने विचार आजाद भारत की आजादी को लेकर। एक स्वतंत्र भारत के लिए जरूरी है कि जो सारे नागरिक हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, अपने रूल्स, अपनी ड्यूटीज को फॉलो करें, उन्हें माने, उन्हें ज्ञात हो कि वो एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है, जहाँ सरकार जो पॉलिटिक्स है वो आई थिंक एक बहुत ही एक गलत राह पर चलती जा रही है। तो हर कोई अगर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए, हर नागरिक अपना थोड़ा थोड़ा फर्ज करे, करप्शन रोकने में, वोट देने में, सही सरकार चुनने में, ये जो अमीरों और गरीबों के बीच इतनी बड़ी डिस्पैरिटी है इसको कम करने में, ये धांधले, ये घपले, हर नागरिक, हर नेता, हर सिटीजन अगर इस चीज को समझे और अपनी तरफ से अपने कर्म सही करे तो ही स्वतंत्र भारत एक खुशहाल भारत होगा। वरना स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं है। जिन वीरों ने, जिन शहीदों ने अपनी जान दी है देश को आजाद कराने के लिए, उनकी कुर्बानियां वेस्ट जाएंगी अगर इसी तरह चलता रहा, अगर देश इसी तरह करप्शन का गुलाम रहा तो हमें आजादी नहीं मिली। ये तो बात रही कविता कौशिक उर्फ चंद्रमुखी चौटाला की, पर आइए जानते हैं इमाम चौकी के बाकी सदस्यों के बारे में। आखिर उनका क्या ख्याल है आजादी को लेकर, जिनसे रूबरू करवा रही हैं खुद इमाम चौकी की थानेदारनी चंद्रमुखी चौटाला। आइए हम आपको कुछ बहुत ही फालतू लोगों से मिलाते हैं जो इस वक्त काफी जॉबलेस बैठे हैं क्योंकि बारिश हो रही है तो कोई काम नहीं कर पा रहा है। आइए उनसे पूछते हैं इनके लिए आजादी के क्या मायने हैं और स्वतंत्रता दिवस इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए आइए,
हमारे साथ है एक बहुत ही प्रतिभाशाली, एक गबरू हैंडसम जवान जिनका नाम है नवीन बाबा, बहुत ही अच्छे कलाकार है ये, ही इज अ मास्टर ऑफ डिस्गाइजेस। आइए इनसे मिलते हैं। नवीन जी नमस्कार, आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो आइए सबसे पहले हम इनको फ्लैग लगा देते हैं जी, है ना? वेल खुद लगा लो। आप ये बताइए आजादी के क्या मायने हैं आपके लिए? ये 15 अगस्त वाले दिन हमें अंग्रेज यहाँ से गए और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम स्वाधीन हुए, स्वतंत्र हुए अपने अंदर। सो वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट, एटलीस्ट इन द राइट सेंस, नॉट द वे आजकल जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में हो रहा है। स्वतंत्रता का मतलब कुछ और ले लिया उन्होंने, खुद को अपना मालिक बना लिया उन्होंने देश को, बट अदरवाइज वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी गॉट दिस इंडिपेंडेंस। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आइए अब हम चलते हैं हमारे सेट के सबसे बुजुर्ग इंसान के पास, जो आजादी से भी पहले पैदा हुए थे और उन्होंने तो आजादी से पहले का और आजादी के बाद का समय देखा है, तो आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या फर्क महसूस करते हैं। जी मैं इतना बुजुर्ग हूँ जी, अब शो के में तो आप है, क्या क्या चमन गीत और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, तो ये हिंदुस्तान का शेर है, ये शेर आजाद मैं नहीं मानता, इस चीज आजादी नहीं मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि हर बंदे को खुशी जब तक नहीं मिलेगी, हर इंसान सब इंसान एक बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक कोई आजादी का मायने नहीं है, सब बराबर हो जाएंगे। मेरे लिए उस दिन बड़ी खुशी होगी इस बात की भी, हाँ भाई अब हम आजाद हो गए, अब हम खुश हैं। एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, हम लोग अब यहाँ खुशी मना रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर हमारे जो देश के जवान है, जो आर्मी है, वो दिन रात तैनात होती है, लड़ती है, अपनी जान पर खेलकर हमारी सुरक्षा करती है। तो सबसे पहले तो देश की आर्मी को, इंडियन आर्मी को, हमारे देश के जवानों को जो बॉर्डर पर हैं, सीमा पर हैं, उनको शत शत प्रणाम, उनको सलाम और थैंक यू या धन्यवाद तो बहुत ही छोटा सा शब्द है ये कहने के लिए कि वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ हंस खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं और स्वतंत्र भारत की खुशियां हम मना रहे हैं, ये उन्हीं की वजह से है। तो सबसे बड़ा सलाम उनको। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सब टीवी के शो तारक मेहता में हर त्योहार मनाने का अलग अंदाज होता है जो आप सभी को बेहद पसंद आता है, तो इस बार 15 अगस्त के मौके पर क्या होगा गोकुल धाम सोसाइटी में खास, चलिए देखते हैं। मोहे मोहे तुरंग दे पसंदी, 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 मोहे रंग दे पसंदी, बसंती रंग दे पसंदी, बसंती रंग दे पसंदी, बसंती रंग दे पसंदी।
बचपन में 15 अगस्त के मौके पर स्कूल में जाना और तिरंगे के सामने सलामी देना आप सभी को अच्छा लगता था और आज मुझे भी अच्छा लगता है। पर हमारे छोटे पर्दे के बच्चों को शूटिंग की वजह से वक्त नहीं मिल पाता है, इसलिए हमारे रणविजय अपनी बहन वीरा के साथ तिरंगा बनाने में जुट गए हैं। इंडिपेंडेंस डे है तो हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग इंडिया का फ्लैग बनाएं, तो पेन भी है, कलर्स भी है और करेंगे हम लोग फ्लैग बनाएंगे। अच्छा बता वीरा, झंडे का फर्स्ट कलर कौन सा होता है? ऑरेंज। उसके बाद व्हाइट। और सर्कल में कौन सा कलर होता है? ब्लू। उसके नीचे क्या होता है? ग्रीन। सर्कल में कितने स्ट्रोक्स होते हैं, कितनी लाइंस होती हैं? थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, चिन्ह हो जो